जिले के नवनियुक्त जिला पुलिस अधीक्षक डॉ अमनदीप सिंह कपूर ने नदबई उपखंड के थाना नदबई व लखनपुर पहुंचकर दोनों थानों का औचक निरीक्षण किया। सबसे पहले दोनों थानों पर जिला पुलिस अधीक्षक को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पुलिस अधीक्षक ने निरीक्षण करते हुए वहां के पुलिस मेस, मालखाने व पुलिस आवासों एवं परिसरों का भी निरीक्षण कर साफ सफाई और पत्रावलियों व रिकॉर्ड का समुचित संधारण करने और जब्तशुदा हथियारों व अन्य सामान की सुरक्षा और पुलिस हथियारों की नियमित देखभाल करने के निर्देश दिए। इस दौरान पुलिस उपाधीक्षक हरि राम मीना, नदबई के थानाधिकारी दुली चंद गुर्जर, लखनपुर के थानाधिकारी पुरुषोत्तम सिंह भी मौजूद रहे। जिला पुलिस अधीक्षक ने दोनों थानों के निरीक्षण के दौरान वहां के सभी पुलिस अनुसंधान अधिकारियों व पुलिस कर्मियों से भी सीधा संवाद कर उनके अभाव अभियोग भी सुने और कहा कि वह पूरे जोश व होश के साथ काम करें, लंबित प्रकरणों का भी समय से निस्तारण कर पीड़ितों को राहत दें। उन्होंने कहा कि जब पुलिस अपराध व अपराधियों के विरुद्ध त्वरित और प्रभावी कार्यवाही करेगी तो आमजन में भी पुलिस की अच्छी पहचान बनेगी। उन्होंने पुलिस की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि वह काम करने वाले पुलिस कर्मियों के साथ हमेशा खड़े नजर आएंगे, ऐसे लोगों को पूरी तवज्जो दी जाएगी। इस दौरान उन्होंने थानाधिकारियों से लंबित प्रकरणों, आदतन अपराधियों व संगठित अपराधों एवं थाना क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति व अपराधियों के आवागमन के रास्तों आदि की भी विस्तार से जानकारी लेते हुए विशेष नजर रखने और चेकन्ना रहकर काम करने को कहा। जिला पुलिस अधीक्षक ने लखनपुर थोन पर पौधारोपण किया व सभी पुलिस कर्मियों को पौधारोपण करने के लिए भी प्रेरित करते हुए साइबर क्राइम पर विशेष नजर रखने और लोगों को भी जागरूक करने तथा भामाशाहों के सहयोग से थाना क्षेत्र के प्रमुख कस्बों के प्रमुख चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने को कहा। जिला पुलिस अधीक्षक का रेडीमेड संघ के अध्यक्ष सरदार दर्शन सिंह ने भी फूलमाला व दुपट्टा पहनाकर स्वागत आज नदबई कस्बे में नदबई थाने पे औचक निरीक्षक आने पर यहाँ आने का मौका मिला। सभी यहाँ के अधिकारियों से और मुलाजमान से बात हुई। जुराइम कंट्रोल और लॉ एंड ऑर्डर की अभी जो हालात हैं उन पर चर्चा हुई। उचित दिशा निर्देश इनको फरमाए गए हैं और एक रणनीति बना के अच्छी पुलिसिंग का मुजाहरा देने के लिए मोटिवेट किया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि नदबई पुलिस टीम अच्छी टीम भावना से आगामी दिनों में अपने कर्तव्यों को भलीभांति अंजाम देगी। यहाँ नफरी की बहुत कमी है नदबई थाने पर। नफरी की कमी सब जगह है और इसका निदान इस तरह से हो रहा है कि अभी जैसे मैं रिक्रूट अभी पीछे भर्ती हुए, उनकी ट्रेनिंग सबकी चली रही है, वो कंफर्म हो जाएंगे तो हम थानों में पोस्ट कर देंगे। इनके अलावा लॉ एंड ऑर्डर के लिए हमने जो आरएसी की कंपनियां जुड़ होती है या क्यूआरटी और स्पेशल ऑपरेशन में जुड़ होती है तो वो मुख्यालय से भी प्रदान करते हैं और ये हमारे नज़र में रहती है, ऐसी कोई कमी पेशी आने नहीं देते जनरली। पर हाँ, जो सिस्टमिक है उसके लिए सिस्टमिक निदान हो रहा है कि और रिक्रूटमेंट होकर ट्रेन होकर कॉन्स्टेबल।